काशी विश्वनाथ में हुआ बाबा का अर्धनारीश्वर श्रृंगार, बाबा के अद्भुत दर्शन कर भक्त हुए निहाल। बिहार के गरीबनाथ मंदिर में उमड़े भक्त, दिव्यांग बच्ची एक पैर पर 85 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंची। छत्तीसगढ़ के भूतेश्वर महादेव मंदिर में लेजर लाइट से बिखरी शिव महिमा की छटा, झूम उठे शिव भक्त। झारखंड के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में गंगा महाआरती का आयोजन, काशी से आए पंडो ने की महाआरती। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह में बाबा का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। बीते सोमवार को मंदिर में सप्तऋषि आरती के समय बाबा विश्वनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। बाबा विश्वनाथ के इस अद्भुत रूप को देख भक्त भी निहाल हो गए। श्रृंगार से पहले पंच द्रव्यों से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया गया, इसके बाद उनकी झांकी सजाई गयी। भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। बिहार का देवघर कहलाने वाले मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बीते सोमवार को 100 फीट लंबी कावड़ लेकर जब भक्त पहुंचे तो उसे देखने लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं संध्या आरती के समय बाबा का हरी, ताजी और मौसमी सब्जियों से अनोखा श्रृंगार किया गया। इतना ही नहीं, 10 साल की दिव्यांग बच्ची राजनंदिनी अपने भाई की सलामती और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक पैर पर 85 किलोमीटर का सफर तय करके बाबा गरीबनाथ धाम पहुंची। छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्त सावन के पावन महीने में लगातार कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में भूतेश्वर युवा भंडारा समिति के द्वारा भव्य लेजर लाइट और डीजे साउंड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान रंग बिरंगी रोशनी से भूतेश्वर नाथ शिवलिंग पर कई कलाकृतियां बनाई गयी। रंग बिरंगी किरणों ने शिव महिमा की छटा बिखेरी और शानदार आतिशबाजी भी की गयी। झारखंड के जमशेदपुर स्थित सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर के छठ घाट पर मंदिर समिति की ओर से श्रावण माह के सातवें सोमवार के अवसर पर काशी की गंगा आरती की तरह महाआरती का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में सिद्धगोड़ा समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। काशी के 5 पंडितों के साथ स्थानीय पंडितों ने भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। एक घंटे तक चलने वाली महाआरती के दौरान जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। उत्तर प्रदेश में बरेली के जिला कारागार नंबर 2 में बंदियों को उच्च स्वास्थ्य और प्रकृति से जोड़ने के लिए आयुष वाटिका विकसित की गई है, जिसमें कई औषधीय पौधे लगाए गए हैं। यहां एलोवेरा, तुलसी, अजवाइन, पुदीना समेत 25 किस्म के पौधे भी लगाए गए हैं। इनकी निराई गुड़ाई और पानी देने आदि के कार्य कैदी ही करते हैं। ये प्रोजेक्ट स्वयंसेवी संस्थाओं और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मदद से शुरू हुआ है।